नमस्कार दोस्तों, दिव्यम ज्योतिष में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार का सब्जेक्ट है मकर राशि भाग्य रत्न। मकर राशि वाले जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं, उनके लिए कौन सा रत्न भाग्यशाली साबित होगा। अभी ये जो कुंडली मैंने यहाँ राशि कुंडली लगाई है, वो राशि कुंडली है अपने हैदराबाद से एक लड़की की है, जो फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा कोर्स किया है। अभी वो जॉब अभी उनको अभी अभी लगी है, लेकिन जॉब में उनका इतना सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। 6 महीने से जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो जॉब मिलनी चाहिए उसके हिसाब से उनको इतना सेटिस्फेक्शन जॉब में नहीं है। तो वो जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा रत्न में धारण करूँ जिसके हिसाब से मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुए जॉब के अंदर, काम के अंदर। तो देखते हैं कि भाई इनकी राशि कुंडली क्या बोलती है। मकर राशि की ये कुंडली यहाँ ड्रॉ की है और लग्नेश जाके बैठा है सप्तम स्थान में और खुद चंद्र को देख रहा है। जब भी शनि चंद्र को देखेगा तो व्यक्ति पर्सन थोड़ा विवेक माइंड रहेगा, थोड़ा अपसेट रहेगा, थोड़ा काम में उनको स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। काम इतना इजी नहीं होगा, हर एक काम में उनको थोड़ा रह के कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखेंगे। जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा उनको इतना मज़ा नहीं आएगा, थोड़ी लाइफ इनकी संघर्षमय रहेगी। और उसे इनकी लाइफ थोड़ी संघर्षमय रहती है जब भी शनि चंद्र को देखता है, तभी की बात है। और ख़ास करके मकर राशि के अंदर ये योग ज़्यादा साबित होता है। इसलिए इनकी कुंडली में भाग्य रत्न की बात करेंगे तो भाग्य रत्न इनकी कुंडली में देखा जाएगा। एक तो सबसे बड़ा क्या है कि इनकी कुंडली में भाग्य बोला जाएगा बुध को, और पंचम स्थान बोला जाएगा इनका शुक्र का। अगर ये कुंडली में अगर 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जैसे शनि बुध और शुक्र, ये तीनों का मिश्रण करके आप कोई चीज़ पहनते हो, या तीनों ग्रहों के साथ आप लॉकेट में धारण करते हो, या ज़्यादातर आप खाली बुध को धारण करते हो और एक ओपेल का स्टोन आता है वो धारण करते हो, तो ये कुंडली की रेंज बदल जाती है। क्योंकि ये कुंडली में क्या है, शुक्र का महत्व ज़्यादा है और बुध का महत्व ज़्यादा है। आखिर शनि तो लग्नेश है ही है, लेकिन शुक्र और बुध को भी इतना ही इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा जितना शनि को देंगे। इसलिए ये तीनों का अगर मिश्रण होता है, तीनों साथ में आप एक लॉकेट में धारण करते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर भी अगर आप तीनों नहीं धारण करते हो तो आप एक ओपल पहन लो फर्स्ट फिंगर में, और लास्ट फिंगर में आप मर्क्यूरी माने बुध को धारण कर लो। ये धारण करने से आपकी काफ़ी समस्याएं हल होती नज़र आएगी। जो जॉब में आपको स्ट्रगल चल रही है, आपको इतना अच्छा आपका फैशन डिज़ाइन का कोर्स किया है लेकिन आपको इतना आउटपुट नहीं आ रहा है, बिकॉज दैट के खाली आपका भाग्य कहाँ जाके बैठा है, 6th हाउस में। तो थोड़ा भाग्य को आपको मजबूत करना पड़ेगा। और शुक्र भी केतु की पकड़ में है, शुक्र खुद केतु की पकड़ में, मतलब केतु का काम है डिक्रीज करना। कोई भी ग्रह को वो डिक्रीज करता है, डिक्लाइन करता है, उसकी जो क्षमता है उसको घटा देता है। इसलिए अगर शुक्र भी आप पहनेंगे ओपेल तो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए जितने भी मकर राशि वाले भाई बहन हैं उनको थोड़ा कुंडली का अभ्यास करके कोई भी रत्न धारण करना चाहिए तो उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।